Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 16. A had drew on B a bill for rupees 15,000 at 3 months. A got the bill discounted by his bank at 12% per annum. On maturity, the bill is dishonored and bank pays rupees 30 for noting charges. Pass entries in the books of A, B and the bank. तीनों पार्टियों की बुक बन गई है. सबसे पहले या ड्रायर, फिर ड्राई और लास्ट में बैंक. ए ड्रू ऑन बी अ बिल फॉर रुपीज 15,000 एट 3 months. ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो ये एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया उसका नाम क्रेडिट. बी ने बिल एक्सेप्ट किया है, ये ए का नाम डेबिट करेगा और बिल्स पेएबल क्रेडिट कर देगा. रिवर्स, इधर बिल डेबिट, दूसरे की बुक में क्रेडिट. ए की बुक में बी का नाम क्रेडिट और बी की बुक में ए का नाम डेबिट. क्रॉस, ये 15,000. A got the bill discounted by his bank at 12% per annum. 3 महीने का बिल है, 12% इंटरेस्ट रेट है, तो A ने अपना बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया. अब क्या होगा, बिल बैंक के पास चला जाएगा, ये बिल को क्रेडिट दे देगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 15,000. इसके बाद पैसे आ जाएंगे, बैंक डेबिट कर देगा. अब पैसे कितने आएंगे ये कैलकुलेट करते हैं. 15,000 का बिल है, 12% इंटरेस्ट रेट है और बिल का जो टाइम है वो 3 माह है, 3 मंथ्स, 3/12, ये बनेगा 450. बैंक क्या करेगा, 15,000 में से 450 रुपये काट लेगा और बाकी दे देगा ए को, 14550. तो एंट्री पास होगी बैंक डेबिट 14550 और जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट 450. अब जब ये बिल बैंक के पास चला गया, बैंक अपने पास क्या एंट्री पास करेगा, बैंक के पास बिल आ जाएगा, यानी इसके बराबर ये एंट्री होगी बिल रिसीवेबल डेबिट और ए के खाते को ये क्रेडिट दे देगा, एस अकाउंट क्रेडिट. बिल इसके पास आएगा 15,000 रुपये का, लेकिन ए के अकाउंट को क्रेडिट देगा 14550 से, और जो 450 है ये इसकी इनकम हो जाएगी, जिसको ये डिस्काउंट इनकम कहेगा, डिस्काउंट को क्रेडिट दे देगा. ऑन मैच्योरिटी, यानी जब मैच्योरिटी डेट आई, बैंक गया बी के पास, बी ने पेमेंट नहीं की, डिसऑनर हो गया, एंड बैंक पेज रुपीज 30 फॉर नोटिंग चार्जेस, और बैंक ने 30 रुपये नोटिंग चार्जेस पे किए. अब इस एंट्री का तल्लक तीनों पार्टी से है. बैंक जाएगा बी के पास, बी से पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंक आ जाएगा ए के पास, ए को बताएगा कि ये बिल डिसऑनर हो गया. अब क्या करना है, यानी 3 महीने बाद ये एंट्री पास होगी, 3 मंथ्स आफ्टर. ए क्या करेगा, बी का नाम डेबिट कर लेगा. आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो जो पार्टी है उसने जिससे पैसे लेने होंगे या जिसने बिल दिया होगा उसको पकड़ लेंगे. बी ने दिया था ए को और ए ने दे दिया था बैंक को, तो अब ये रिवर्स हो जाएगा, बैंक इसको पकड़ेगा ए को, ए बी को पकड़ेगा, तो एंट्री पास होगी बी डेबिट और बैंक क्रेडिट. अमाउंट कितनी होगी, 15,000 तो बिल की अमाउंट है और 30 रुपये बैंक ने पे किए हैं, तो ये बी से 15,000 30 रुपये लेगा और बैंक को 15,000 30 देगा. बी जो है इसने बिल डिसऑनर कर दिया, बिल इसके पास पड़ा, इसने लिखा हुआ क्रेडिट लिखा है, इसको कैंसिल कर देगा, बिल पेएबल डेबिट कर देगा 15,000 से, ए का नाम क्रेडिट करेगा 15,000 30 से,
अब डिफरेंस आ जाएगा 30 रुपये का, ये कहलाएगा नोटिंग चार्जेस। तो एंट्री बन गई बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट और ए क्रेडिट। इधर आ जाए बैंक के पास, बैंक जब डिसऑनर हुआ बिल क्या करेगा, वही बात जो हमने इधर की थी कि इसको जिसने बिल दिया था ये उसको लेगा, उससे रबता करेगा, यानी ये ए का नाम डेबिट कर देगा, ए इज अकाउंट डेबिट। ठीक है, 15,030 और ये जो बिल इसके पास आया है डेबिट खड़ा है, ये क्रेडिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 15,000 और 30 रुपये इसने जो दे दिए हैं नोटरी पब्लिक को, ये कैश हो जाएगा। ये तीनों की जो बुक है कंप्लीट हो गई। कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।